गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड? चलो बहुत बढ़िया। और अब शुरू करते हैं 10th क्लास का ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। नाइन्थ में आपने ये टॉपिक एक बार पहले डिस्कशन किया है, इसी का थोड़ा सा डिटेल स्टडी हम लोग इसमें करने वाले हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया के लिए एक चैलेंज भी है और प्लानिंग का एक हिस्सा भी है कि इंडिया के लोग जो इस एरिया में रह रहे हैं कॉलोनियल टाइम पीरियड में और अभी आज़ादी के बाद जब डेवलपमेंट करने के लिए हमने तैयारियां की तो किस तरह से वाइल्ड लाइफ को नुकसान हुआ, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉलोनियल टाइम पीरियड में यानी कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो रहा उस टाइम में किस वजह से नुकसान हुआ, किस तरह की फॉरेस्ट पॉलिसी हमारे इंडिया में लगाई गई जिसकी वजह से नुकसान रहा, और फिर उसके बाद डेवलपमेंट करने के लिए हमने किस किस एरिया को टारगेट किया, कैसे कहाँ पर एग्रीकल्चर का वर्क शुरू हुआ, वो सब चीज़ें इसमें की जाएंगी। ओके, तो शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट ज्योग्राफी का जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2। ओके, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ओके, इसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है, इसके बारे में ये। ओके, तो क्या होता है ये फॉरेस्ट और क्या होती है वाइल्ड लाइफ। ठीक है, देखिए जैसे कि नाम से प्रूव हो रहा है कि जंगल यानी कि वन और वन्य जीव संसाधन, मतलब ये हुआ कि जंगल और जंगल में रहने वाले जीव जंतु। इस लेसन में हम ये डिसीजन करेंगे कि हमारे इंडिया में कितने फॉरेस्ट हैं, कितने टाइप के हैं और किन किन कैटेगरी में इनको डाला जा सकता है। हमारे इंडिया में पाए जाने वाली वाइल्ड लाइफ के बारे में भी बातें होंगी कि इंडिया में कितने टाइप की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है और क्या क्या स्पेशलिटी है। जैसे आपने सुना होगा एशियाटिक चीता इंडिया की स्पेशलिटी है, बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने वाला चीता है। आपने ये भी सुना होगा इंडिया की वाइल्ड वेजिटेशन लाइफ में यानी कि जो फॉरेस्ट लाइफ में यू जैसे भी ट्री हुए हैं इंडिया में जिससे कैंसर तक का इलाज होता है। यू एक बहुत ही फेमस ट्री इंडिया का, कैंसर का इलाज भी इससे होता है क्योंकि जब यू की जो ब्रांचेज होती हैं या उनकी जो स्टेम्स होती है जब उसको बॉयल किया जाता है, उससे एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है तो टक्सोल निकलता है। और कहते हैं कि टक्सोल जो है वो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत काफ़ी बढ़िया है। तो इंडिया भरा पड़ा है वैरायटी से। इंडिया के अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। फॉरेस्ट की बात करें तो हमारे इंडिया में कई टाइप के फॉरेस्ट हैं जिनको आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कह सकते हो, ट्रॉपिकल डेसिडियस भी फॉरेस्ट कह सकते हो। इंडिया में डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं, उसमें भी दो क्वालिटी होती है, एक मॉइस्ट डेसिडिशियस हो सकते हैं, एक ड्राई डेसिडियस हो सकते हैं। एवरग्रीन का मतलब है सदाबहार वन, डेसिडियस का मतलब है पतझड़, पत्तियां झड़ाने वाले वन। और इसमें भी दो क्वालिटी मैंने बता दी कि एक तो वो है जो कि थोड़े से बारिश वाले एरिया में थोड़े ठीक से पेड़ आपको मिल जाएंगे, मॉइस्ट यानी कि नमी वाले पतझड़ी वन, और कुछ जो बिल्कुल सूखे एरिया में आपको डेसिडियस मिलेंगे जहां बारिश कम आती है। ठीक है, तो वहां एक बिल्कुल ही सूखे एरिया में आपको थॉर्नी फॉरेस्ट मिल जाएंगे। एवरग्रीन हो गए, डेसिडियस हो गए और फिर थॉर्नी फॉरेस्ट हो गए। थॉर्नी फॉरेस्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे इंडिया में कांटेदार जंगल भी आपको मिलेंगे, जहां पर बिल्कुल ही बारिश नहीं होती वहां पर ये मिलेंगे। ओके, एक और बड़ी बात कि हमारे इंडिया में मैनग्रोव ट्री भी आपको नजर आएंगे। मैनग्रोव ट्री वो होते हैं जिनको आप ऐसे एरिया में आपको दिखेंगे जहां पर समुद्र का पानी या खाड़ी का पानी बे ऑफ बंगाल या
ऐसा एरिया जहाँ रिवर भी अपना डेल्टा एरिया बनाती है। ट्राइंगल शेप का एक बहुत ही बेहतरीन फर्टाइल लैंड का एरिया जिसको डेल्टा बोलते हैं, वहां पर आपको लंबी लंबी वैरायटी के जिनकी हाइट 60 मीटर चली जाती है वो भी आपको ट्री वहां मिलेंगे। कुछ बेल लताएं मिलेंगे आपको बहुत सारी वहां पर, और उनके अंदर रहने वाले जीव जंतु भी मिलेंगे। तो चार टाइप की तो है ही हमारे इंडिया में, एवरग्रीन, डेसिडियस, थॉर्नी फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, ये चार तो है ही है। साथ में माउंटेन फॉरेस्ट भी है, पहाड़ी वाले जंगल, पहाड़ियों पे मिलने वाले जंगल, माउंटेन, माउंटेन से ही माउंटेन बना है, तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। चलो डिस्कस कर लेते हैं और हम काफी वैरायटी से इसको डिस्कस करेंगे। काफी वैरायटी का मतलब है हम पहले इंडिया के अंदर रेनफॉल का पैटर्न समझेंगे। देखो जिस बच्चे ने रेनफॉल का पैटर्न समझ लिया ना, उसको इंडिया के फॉरेस्ट में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको थोड़ा मिक्स करते हुए चलूंगा, थोड़ा सा 9th का टॉपिक आएगा इसमें, थोड़ा सा 10th का आएगा, तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कितने और किस टाइप के कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ओके, और रेनफॉल का पैटर्न क्या है। ओके, तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है ताकि आपको ये पता लग जाए कि इंडिया में कितने टाइप के, किस टाइप की बारिश पर पैटर्न है यहाँ पर, और फिर किस टाइप के यहाँ फॉरेस्ट मिल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको एक मैप बना के यहाँ दिखा रहा हूं मैं। इस मैप में आपको मैं रेनफॉल का पैटर्न समझा दूंगा, और जिस बच्चे को रेनफॉल का पैटर्न समझ में आ गया ऑटोमेटिकली उसको बहुत सारी चीज समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो देखिए इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया के बारे में हम थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। ओके, ये देखिए इंडिया का जो एक मैप मैं आपके लिए यहां पर तैयार कर रहा हूं, आप उस मैप के तरीके से समझ सकते हो। ओके, ये देखिए यहां पर हम एक इंडिया का मैप बना लेंगे और इस मैप के तरीके से आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके, ये देखिए यहां पर हम इस तरह से ये इंडिया का, ठीक है, इस इंडिया के मैप से हमें ये समझ आ जाएगा ये चीजें कैसे हैं, ठीक है। ओके, यहां पर हम श्रीलंका को देखते हैं। इंडिया के इस साइड में अरेबियन सी होता है, आपको पता ही है अरेबियन सी इस एरिए में है। इस साइड में बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे की साइड में इंडियन ओशियन होता है। इंडियन ओशियन यह नीचे है, ठीक है, इंडियन ओशियन, यानी कि इंडिया तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है और इक्वेटर के बिल्कुल नजदीक सा है। इक्वेटर से हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और यह कहा जाता है कि जो एक कंट्री इक्वेटर के नजदीक सा होता है वहां पर मॉनसून की कंडीशन बहुत बढ़िया होती है, मॉनसून खूब आता है वहां पर, क्योंकि इक्वेटर लाइन के आसपास इवेपोरेशन बहुत अच्छे से होता है, काफी बढ़िया लेवल पे इवेपोरेशन हो जाता है, और फिर इवेपोरेशन होने के बाद में कोरियोलिस फोर्स अर्थ के ऊपर काम करने लगती है, और फिर वो जो इवेपोरेशन से जो क्लाउड तैयार होते हैं उसको फिर वो नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ डाइवर्ट कर देती है। हमने 9th में पढ़ा भी था कि आईटीसी जेड जोन बनते हैं। ये सब कैसे है यहां देखो, एक बार जैसे ये अर्थ है और इस अर्थ पे ये लाइन इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ठीक है, इक्वेटर इक्वेटर लाइन। ओके, और इसके बाद में यहां पर एक लाइन बनती है 23.5 जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोग कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, और ये नीचे की तरफ आप देखोगे 23.5 इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन हम कहते हैं, ये देखिए
ट्रॉफिक ऑफ कैप्रिकॉन इसको कहते हैं। ये इसके एरिया के बीच में जो भी एरिया होगा उसको ट्रॉपिकल एरिया कहेंगे हम। इन दोनों लाइन के बीच में इक्वेटर के दोनों साइड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, क्योंकि इधर नॉर्थ पोल बनता है, ये नॉर्थ पोल एरिया है, ओके, और ये इधर, ये वाला इधर की तरफ साउथ पोल एरिया बनता है, साउथ पोल एरिया। ये हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 9th में जो चैप्टर था उसमें हमने देखे थे कि कैसे लैटिट्यूड कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के बीचों बीच निकलती है, जिससे हमारे क्लाइमेट पे बहुत असर पड़ता है और रेनफॉल पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हम इंडिया के इस मैप में बेसिकली हम ये समझना चाह रहे हैं कि इंडिया में रेनफॉल की कंडीशन क्या है। और सीधी सी बात है, अगर आप रेनफॉल की कंडीशन समझ जाते हो तो आपको फॉरेस्ट भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं रेनफॉल को सेंटीमीटर में आपको एनुअली बताना शुरू कर दूंगा। और अगर आपको रेनफॉल की कंडीशन सेंटीमीटर में समझ में आनी शुरू हो जाएगी तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि इंडिया में एवरग्रीन कहां पर मिल सकते हैं, इंडिया में डेसिडियस कहां मिल सकते हैं, इंडिया में माउंटेन कहां पर मिल सकते हैं, इंडिया में मैंग्रोव कहां मिल सकते हैं। सारा कुछ रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो हमें पहले यही समझनी है। तो आप देखोगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो यहां है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो कैप्रिकॉन का तो हमारा कोई मतलब है नहीं, कैप्रिकॉन का इंडिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिया से कैप्रिकॉन तो बहुत दूर है। इंडिया की लोकेशन यहां है, देखो इस जगह पर, ऐसे इंडिया की लोकेशन यहां पे, ये देखिए, और हमारा इंडिया यहां पर आता है इस जगह पर, ये देखिए इस जगह लोकेशन पर है। और आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इंडिया को बीचों बीच क्रॉस कर रही है, ये देखिए इस जगह पर इंडिया को बीचों बीच क्रॉस कर रही है, ये देखिए ये बीचों बीच क्रॉस कर रही है, इंडिया को टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये यहां से शुरू हो रही है, देखिए ये देखिए यहां से शुरू हो रही है, ऐसे ये क्रॉस कर रही है। अब हमारी यहां जो कंडीशन है ये 8 डिग्री पर है, 8 डिग्री, और ये लाइन 0 डिग्री पर है, 8 डिग्री और 4 मिनट, और हम कहां तक है 37 डिग्री और 6 मिनट तक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन हमारे बीचों बीच है और थोड़ा सा ऊपर जाने पर 37 डिग्री आ जाता है, ठीक है 37 आ जाता है। अब इस लाइन का क्या फर्क पड़ता है हमारे ऊपर, इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आधा तो हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में चले गए, क्योंकि मैंने कहा भी था कि ये ट्रॉपिकल एरिया है, इन दोनों लाइन के बीच में ये ट्रॉपिकल एरिया बनता है, ये देखिए ये ट्रॉपिकल एरिया बनता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ट्रॉपिकल एरिया ही बनेगा, इन दोनों के बीच में ट्रॉपिकल एरिया ही बनेगा। और इस एरिया की खास बात यह है कि यहाँ सन रेज ज्यादा आती है, और ज्यादा आने की वजह से यहाँ जो भी ओशियन है, इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, उनमें इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा आती है, जैसे ये देखिए सन की कंडीशन यहां पर है, और सन की कंडीशन यहां तो सीधी सीधी वर्टिकल रेज यहां पड़ती है और डाइवर्ट करते हुए साउथ पोल नॉर्थ पोल पे आती है। तो जिस एरिए में अप्रोक्सीमेट बिल्कुल वर्टिकल रेज आएंगी, सीधी किरणें आएंगी, वो एरिया ऑटोमेटिकली गर्म ही होगा। इसका मतलब ये इक्वेटर के दोनों साइड में ये गर्म ही है, और इस गर्म एरिया को हम क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिकल एरिया। इस गर्म एरिया को, हॉट एरिया को ट्रॉपिकल एरिया कह रहे हैं। भाई सन रेज जहां पर सीधी आएंगी वहां गर्म रहेगा, और जहां सन रेज डाइवर्ट करती आएंगी वो ठंडा रहेगा। साउथ पोल नॉर्थ पोल ठंडे हैं, ठंडे होने का रीजन ये है कि भाई सन रेज डाइवर्ट होके आ रही है वहां पे, तो इस वजह से वो ठंडे हैं। तो यहां पर ट्रॉपिकल एरिया में समझ में आ गया, और इंडिया के अगर बीचों बीच ये लाइन क्रॉस कर रही है तो हमारा आधा इंडिया तो ट्रॉपिकल में ही चला गया, आधा इंडिया तो ट्रॉपिकल यानी कि टोरिड जोन में चला गया, टोरिड में, इसको टोरिड कहते हैं, ओके। और आधा इंडिया ऊपर की तरफ रह गया। अब ऊपर वाला एरिया जो यहां इतने एरिए तक हम बात करते हैं, तो ये 66 की लाइन बनती है, 66 एंड हाफ, ये 66 की एक लाइन बनती है यहां पर, ये देखिए, इसको नॉर्थ पोल सर्कल कह देते हैं, जो हमसे थोड़ा ऊपर रह जाता है, क्योंकि हम तो 37 पे एंड हो गए, हम तो 37 पे एंड हो गए, और वो चली गई लाइन 66 पर, वो लाइन 66 पर चली गई, हम 37 पे एंड हो गए, मतलब कि इंडिया यहां पे 37 डिग्री और 6 मिनट पे एंड हो गया, यहां 8 डिग्री और 4 मिनट से शुरू हुआ था, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर से हमारी लोकेशन शुरू हुई थी और 37 तक हमारा एंड हो गया था, हमारा जम्मू कश्मीर का बॉर्डर 37 पे एंड हो गया। लेकिन ये वाली लाइन जो 66 पे बन रही है, जिस लाइन को नॉर्थ पोल सर्कल कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल सर्कल।
सर्कल, नॉर्थ पोल सर्कल कहते हैं इसको हम, ठीक है ना, इसको नॉर्थ पोल सर्कल कहेंगे, नॉर्थ पोल सर्कल कहेंगे, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ पोल सर्कल तक का जितना भी एरिया, ये टेम्परेट जोन का एरिया है, ना तो ज्यादा ठंड रहती है ना ज्यादा गर्मी रहती है, हॉट एंड कोल्ड एरिया, टेम्परेट एरिया। ये देखो टेम्परेट एरिया, ये टेम्परेट एरिया है। तो बात समझने की ये है कि हमारा आधा इंडिया तो टेम्परेट में आ रहा है, टेम्परेट में आ रहा है, और आधा इंडिया टोरिड जोन में आ रहा है। ओके, तो ये बात तो हमें पता लग गई कि आधा इंडिया तो हॉट एंड कोल्ड का एरिया है और आधा इंडिया हॉट हॉट का एरिया है जहां कभी ठंड नहीं होती। हॉट हॉट का मतलब ये हुआ कि कभी ट्रॉपिकल एरिया में ठंड नहीं होती, ठंड नहीं होती, और हमारी इधर की साइड में ठंड और गर्मी दोनों रहती है, तो ये टेम्परेट में आ गया, ठीक है। अब मेरी जो समझाने का जो पोर्शन था वो ये था कि इक्वेटर लाइन के नजदीक यहां यहां इस जगह पर, इक्वेटर लाइन की इसी जगह पर बहुत सारे वाटर वेपर बनते हैं, जहां जहां मैंने क्रॉस लगाया वहां बहुत सारे वाटर वेपर बनते हैं, क्योंकि इक्वेटर लाइन के दोनों साइड में बहुत गर्मी होती है। और फिर वाटर वेपर बनकर इनकी डायरेक्शन ये देखिए, इस लाइन पर बहुत सारे वाटर वेपर बने, इस लाइन पर वाटर वेपर बने जीरो डिग्री इक्वेटर पर, इक्वेटर पर वाटर वेपर बने, और ये वाटर वेपर फिर इधर की साइड डायरेक्शन में लेते हैं ऐसे, ये देखिए इधर की साइड डायरेक्शन ले लेते हैं और कुछ नीचे की तरफ चले जाते हैं ऐसे, कुछ नीचे की तरफ ऐसे चले जाते हैं। ये देखो ये ऐसा क्यों हुआ कि इक्वेटर लाइन से दोनों तरफ क्यों चले गए ये बादल, इक्वेटर लाइन पे उसके दोनों तरफ क्यों चले गए, क्योंकि अर्थ जब मूव करती है तो कोरियोलिस इफेक्ट बनता है। कोरियोलिस इफेक्ट बनने की वजह से विंड जो है अर्थ की स्पीड की वजह से, अर्थ की डायरेक्शन की वजह से वो डाइवर्ट हो जाती है, और जब इक्वेटर लाइन के क्लाउड डाइवर्ट होकर ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे, तो वो इंडिया की तरफ डायरेक्शन में आएंगे। सोचो इस जगह से डायरेक्शन चेंज हुई तो वो इंडिया की तरफ आ रही है, ये देखिए क्या नहीं आ रही, आ रही है भाई। नीचे इक्वेटर लाइन थी, ये जीरो डिग्री लाइन थी, तो डाइवर्ट होकर इधर आ रही है, नहीं आ रही क्या, आ रही है, इक्वेटर लाइन से डाइवर्ट होकर इधर आ रही है, ठीक है। तो इसी वजह से फिर यहां इंडियन ओशन की बहुत सारी विंड्स वगैरह ट्रेड विंड बोलते हैं इनको, ये जो विंड डाइवर्ट होकर आई ना इनको हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड, ये ट्रेड विंड है, इनको क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड मतलब जिनके अंदर बादल है और बारिश कर सकते हैं, जिनके अंदर बादल है हवाओं के अंदर और वो बारिश कर सकते हैं, तो ये यहां पर चल देते हैं और इंडिया की तरफ आना शुरू कर देते हैं। जब इक्वेटर लाइन से, इंडियन ओशन से वाटर वेपर बनकर इंडिया की तरफ सर्कुलेट हो जाते हैं, और उसी टाइम में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में भी कंडीशन बन रही होती है वाटर वेपर की, तो ये फिर सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। ये सर्कुलेशन इक्वेटर लाइन से मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है, तो इक्वेटर लाइन से मार्च अप्रैल में शुरू कर दिया इन्होंने, और इधर तक आते आते मई में ये शुरुआत हो जाती है। अरेबियन सी के वाटर वेपर मई में ये लोग मिक्स होना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में फिर इंडिया में रेनफॉल की शुरुआत हो जाती है, यानी कि 1 मई 5 मई के लगभग इंडिया में रेनफॉल आनी शुरू हो जाती है। तो इंडिया का जो सबसे नीचे एरिया होगा उसमें रेनफॉल की शुरुआत सबसे पहले होगी, सीधी सी बात है। यानी कि सबसे नीचे केरल का एरिया है, ये रहा, ये सबसे नीचे केरल का एरिया है, इसलिए यहां पर बारिश की शुरुआत सबसे पहले ही होती है केरल में। और ये वाली साइड वैसे भी ऊंचाई पे है, मतलब कि इतना इतना इंडिया आप देखोगे, ये इतना इतना इंडिया जो है इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट 900 मीटर है, और उधर वाली साइड की हाइट कम है। भाई जिसकी हाइट कम होती है वो विंड को रोक नहीं पाएगा, और जिसकी हाइट ज्यादा होगी, जो लैंड एरिया जिसकी हाइट ज्यादा होगी तो रोक ले। जैसे मैं ये कहूंगी प्लेन एरिया और एक माउंटेन एरिया है, तो जहां पर माउंटेन होगा वो विंड को रोक लेगा, और जो प्लेन एरिया वो विंड को रोक नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन कुछ यहां बनती है, और 5 मई के लगभग यहां पर बारिश की शुरुआत हो जाती है, 5 मई के लगभग। कैसे हुई, कुछ तो इंडियन ओशन के वाटर वेपर मिक्स हो गए, कुछ अरेबियन सी के वाटर वेपर मिक्स हो गए, और मिक्स होकर यहां पर बारिश की शुरुआत हो जाती है, और फिर लगातार 2-3 महीने 4 महीने लगातार ये बारिश
काफी बड़े लेवल पे होती है। बारिश को मेजर करने के लिए, बारिश को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको रेन गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन गेज। क्या बोलते हैं? रेन गेज। ये देखिए रेन गेज, ये रेन गेज क्या होता है? ये बारिश को माप लेता है कि कितनी बारिश हुई, एक महीने में कितनी बारिश हुई, एक साल भर में कितनी बारिश हुई, कैलकुलेट कर लेता है। और जब भी कैलकुलेट करता है तो सेंटीमीटर में कैलकुलेट करता है। ये कितने में कैलकुलेट करते हैं? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करता है, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको पूरे साल भर की बारिश बता देगा, भाई आपके हरियाणा में या आपके इधर उधर कहीं पर भी जो पूरे साल भर बारिश हुई है वो कितनी सेंटीमीटर बारिश हो गई है, ये माप देता है। अच्छा, लोकल लोग भी बारिश को नापना जानते हैं। आपको पता है लोकल जो पीपल है हरियाणा के, वो भी नापना जानते हैं। कैसे? जैसे दो दिन तक खूब बारिश हुई या एक दिन में खूब बारिश हुई, अब वो लोकल हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे दादा परदादा, वो क्या करेंगे? खेतों में जाएंगे, खेतों में जाएंगे, खेतों में, ठीक है, खेतों में जाएंगे, एग्रीकल्चर फील्ड में जाएंगे और वहां पर मिट्टी को उखाड़ेंगे हाथ से। खेतों की मिट्टी नरम होती है, उखाड़ लेंगे, ऐसे उखाड़ लेंगे और ये देखेंगे कि पानी, बारिश जो बरसी है उसका पानी कितने नीचे तक गया है। ऐसे उखाड़ते जाएंगे जहां तक सूखी मिट्टी आ जाएगी वहां रोक देंगे, गीली मिट्टी को उखाड़ते जाएंगे और सूखी मिट्टी जहां आ गई वहां रोक देंगे और उसके बाद अपनी उंगलियां उसमें एडजस्ट कर देंगे, अपनी उंगलियां उसमें एडजस्ट कर देंगे, फिर कहेंगे भाई चार आंगल बारिश हुई है ना, फिर कहेंगे भाई पांच आंगल बारिश हुई है। मतलब मैं बता रहा था कि कैसे उंगलियों से नाप लेते हैं कि भाई चार उंगल बारिश हुई है या दो हुई है, जो भी है वो नाप लेते हैं। ये हमारा लोकल फॉर्मूला है, ऐसे वो नाप लेते हैं। सोचो कि आपके इस महीने में एक बार बारिश हुई और चार आपने नाप लिए, चार उंगल बारिश हुई है, फिर दोबारा कभी हुई फिर आपने उसको मेजर कर लिया, टोटल मिला के 4+4 यानी कि 8 उंगल बारिश हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक महीने बाद फिर हुई है, फिर हुई, जितनी बार भी हुई है एक साल भर में, वो कैलकुलेट करते चले जाओगे, वो कैलकुलेट करते चले जाओगे। तो सोचो कि पूरे साल भर में 100 हो गई पूरे साल भर की, ठीक है, 100 हो गई है। इसी तरह ये कर लेता है, इसी तरह रेन गेज कर लेता है, वो भी पानी की जो परसेंटेज जितनी आई वो सेंटीमीटर में बना लेता है कि पूरे साल भर सेंटीमीटर कितनी हुई है टोटल, मान लीजिए उस दिन इतनी हुई थी 10 सेंटीमीटर, उस दिन इतनी हुई, इतनी इतनी, ऐसे वो पूरा कैलकुलेट कर लेता है। तो यहां होती है 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा होती है, इससे कम नहीं होगी, 300 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा इसके टाइम। फिर इधर की तरफ आगे बढ़ते हुए 250, फिर ऊपर बढ़ते हुए 300, फिर ऊपर बढ़ते हुए 250, 200, मतलब कि कम ज्यादा एरिया वाइज होती चली जाती है। इस एरिया पे 200, 300, 200, 300 का स्केल बना रहता है। ये पूरे साल भर की कैलकुलेशन है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं, इंडिया के अंदर ही, इंडिया के अंदर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश एक बार रिकॉर्ड हुई थी एक साल की, 1140 सेंटीमीटर बारिश, 1140 सेंटीमीटर, गजब। मतलब कि मेघालय, ये वाला एरिया एक ऐसा एरिया मेघालय का जहां पर 1140 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है 1140 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड है, और 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा ही आती है हर साल, हर साल ज्यादा आती है। अब सोचो जिस एरिया में 300 सेंटीमीटर है ये, या फिर यहां इतनी बारिश हो रही है, तो वहां तो सीधी सी बात है हरे भरे पेड़ मिलेंगे, एवरग्रीन मिलेंगे, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। पेड़ को क्या चाहिए? पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, वो बढ़ते रहेंगे और एवरग्रीन बने रहेंगे। तो इस पोर्शन में सबसे जरूरी चीज आपको रेनफॉल का पैटर्न समझ में आना जरूरी है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे यहां पर इतनी ज्यादा बारिश क्यों होती है भाई, यहां 1000 से ज्यादा ही क्यों होती है हमेशा, इस एरिया में 1000 से ज्यादा ही बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां की जो हिल्स है ना, उनकी जो शेप कुछ ऐसी है,
फ्लावर लाइक शेप, फनल लाइक शेप, बे ऑफ बंगाल से यहां से क्लाउड, इंडियन ओशन के क्लाउड यहां आते हैं, मिक्स होकर आते हैं और इन पहाड़ियों में वो फंस जाते हैं। वहां पर थ्री हिल्स हैं, गारो, खांसी, जंतिया, तीन हिल है वहां पे। कौन कौन सी हिल है? गारो, गारो, खांसी, खांसी और जंतिया, जंतिया, ये मेघालय की हिल्स हैं, गारो, खांसी, जंतिया। तो इनकी शेप भी कुछ ऐसी है कि यहां पर बादल फंस जाते हैं और वो यहीं पर घूम घूम के खूब बारिश करते हैं। जब निकलते हैं तो लगभग खाली से होते हैं बेचारे, ऐसे लगता है कि गारो, खांसी, जंतिया हिल्स ने उनको लूट लिया बेचारों को। वो बेचारे आए और बारिश, कमाल की बात है, मेघालय का जो कैपिटल है शिलोंग, वहां नहीं होती, वहां सिर्फ 50 सेंटीमीटर, मतलब उसी स्टेट में चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट मोसिन राम तुरा, एक जगह ऐसी है जहां पर रिकॉर्ड तय हुआ था, तुरा, चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट मेघालय, मोसिन राम विलेज और तुरा एक जगह जहां पर रिकॉर्ड बना था कभी। ये देखो मैं लिख देता हूं, मेघालय और चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट और इसमें मोसिन राम में जो रिकॉर्ड बना वो तुरा था, तुरा एरिया में रिकॉर्ड बना था, ठीक है ना। बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब बारिश क्यों होती है वो मैंने बता दिया। अब क्या होता है, ये बारिश इधर क्यों अट्रैक्ट हुई है, रीजन क्या है? एक तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स मैंने बताई थी कि डाइवर्ट कर देती है, एक तो ये रीजन है। दूसरा, उस टाइम में हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो, ये वाला इतना एरिया, ये जो इतना एरिया आप देख रहे हो, इतना एरिया जो आप देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा हॉट एरिया बन जाता है इस टाइम में। अप्रैल, मई में, जून में ये एरिया जलने लगता है बहुत बुरी तरह से। आपने गर्मियों के सीजन देखे होंगे हरियाणा के भी, आपने राजस्थान के सीजन भी देखे होंगे, आपने गुजरात के सीजन भी देखे होंगे, आपने यूपी के भी देखे, एमपी के भी देखे, बिहार के भी, और इधर के सारे सीजन देखे होंगे। ये एरिया अप्रैल, मई, जून में बुरी तरह से जलता है। टेम्परेचर 45, 46, 48, 50 डिग्री सेल्सियस या 51 भी हो जाता है राजस्थान में, जैसलमेर में। राजस्थान का जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, उसका जो एरिया है श्रीगंगानगर, 51 का टेम्परेचर नोट हुआ है। दुनिया का सबसे गर्म जगह वैसे अलाजीजिया है, लीबिया, अफ्रीका के अंदर लीबिया जो एरिया, अलाजीजिया दुनिया की सबसे गर्म जगह, 57 डिग्री सेल्सियस नोट हुआ वहां पे, 57 डिग्री सेल्सियस नोट हुआ। हमारे यहां पर गंगानगर में 51 नोट हुआ, 51। तो क्या है कि ये जो एरिया है ये अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट करता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की विंड को अट्रैक्ट करता है। एक तो ये अट्रैक्शन पॉइंट है, नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे ऊपर की साइड में, हिमालय के दूसरी साइड में, हिमालय की नॉर्दर्न साइड में एक तिब्बत का प्लाटू एरिया भी होता है जो चाइना साइड में है, तिब्बत का प्लाटू एरिया, तो ये भी बहुत गर्म एरिया है। तिब्बत का प्लाटू भी गर्मियों में जलने लगता है। तो ये दो अट्रैक्शन पॉइंट बनते हैं, बहुत बड़े अट्रैक्शन पॉइंट है ये। तो बे ऑफ बंगाल की साइड और अरेबियन सी की साइड से विंड उधर सर्कुलेट होने लगती है, इसीलिए डायरेक्शन इधर हो जाती है। देखिए इसीलिए डायरेक्शन इधर हो जाती है, बे ऑफ बंगाल की साइड में चाइना में भी डायरेक्शन हो गई है। देखिए इधर देखते हुए हम देख रहे हैं ये चाइना की साइड भी डायरेक्शन ले लेता है तिब्बत के प्लेटू की तरफ, और ये इधर की डायरेक्शन, ये नॉर्थ इंडिया की तरफ भी डायरेक्शन ले लेता है। ये देखिए ये नॉर्थ इंडिया की तरफ भी डायरेक्शन ले लेता है ऐसे, और इधर से भी इधर जाने शुरू कर देती है, क्योंकि ये अट्रैक्शन पॉइंट बन रहा है, क्योंकि ये अट्रैक्शन पॉइंट बन रहा है। अब ये विंड चल देती है क्लाउड्स की बनी हुई, और जब ये उधर चलती है, इधर आती है नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो इसे रोकने के लिए एक ही चीज हमारे पास, इन विंड को रोकने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, हिमालय, द ग्रेट हिमालय, द ग्रेट बॉल ऑफ इंडिया। ये ग्रेट बॉल ऑफ इंडिया जो हमारी है खली जैसी, आपने सुना द ग्रेट बॉल ऑफ इंडिया, खली, जो खली रेसलर है, बहुत जबरदस्त रेसलर है,
इतनी बड़ी हाइट मेरे से तो मैं तो यही देखूंगा ऐसे ऊपर की तरफ, भाई कितना ऊंचा है मैं तो ऐसे देखूंगा उसकी तरफ, मतलब मेरे से 1.5 गुना, 7-8 फुट की हाइट है उसकी, 7-8 फुट, ठीक है, बहुत जबरदस्त है। तो हमारे लिए हिमालय जो है यहाँ पर, ये हिमालय जो है आप देखोगे, ये जो हिमालय है जिसकी जो पूरी लेंथ है 2400 किलोमीटर की, इसकी 2400 किलोमीटर की लेंथ है, ये इधर से जाने वाली विंड को भी और इधर से जाने वाली विंड को आगे नहीं जाने देता और फिर बारिश की शुरुआत करवा देता है। एक तो ये आगे नहीं जाने देता चाइना की तरफ, हमारा सामान है हमारे, आप लोग आगे नहीं जा सकते, मतलब ये बॉर्डर बना दिया उसने भाई आगे, नहीं भाई गलत बात, हमारा बे ऑफ बेंगाल से आया और ये जो है अरेबियन सी से आया, ये हमारा सामान है भाई आगे नहीं जाने देंगे हम, टैक्स पॉइंट बना दिया, टैक्स पॉइंट, तो टैक्स पॉइंट हिमालय ने बना दिया। और फिर टैक्स पॉइंट के साथ साथ यहाँ पे वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हिमालय ठंडा है, क्योंकि हिमालय ठंडा है, और जब ये वाटर वेपर ठंडे एरिया में पहुंचेंगे तो वाटर वेपर स्टीम फॉर्म में नहीं रह जाएंगे, फिर वो क्या आ जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट में आ जाएंगे, और जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट बनने लगे कंडेंसेशन होने लगेगा, आपको पता है कंडेंसेशन होने लगेगा, संघनन होने लगेगा, कंडेंसेशन होने लगेगा, तो बारिश की शुरुआत हो जाएगी। अब जानना नहीं चाहोगे कि ये बारिश इधर से इधर की तरफ घटना शुरू कर देती है, बे ऑफ बंगाल से इधर 1000, फिर 300, फिर 200, फिर 200, फिर 100, फिर 75, फिर 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, घटना शुरू कर देती है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कोई कहीं पे फंक्शन पे खाने के लिए गया हुआ है और नीचे बिठा के खिला रहे हैं और जो बांटने वाला है बर्फियां लेके आया है, कुछ भी टाइप की बर्फी हो सकती है, काजू की बर्फी हो सकती है या फिर खोए की बर्फी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसमें तो क्या है। तो वो बर्फियां बांटने के लिए लगा है और सबसे ज्यादा बर्फी उसने बांटी मेघालय को, मतलब कि क्लाउड्स को हम बर्फियां मान रहे हैं और इंडियन मॉनसून को वो बांटने वाला मान रहे हैं कि ये ट्रेड विंड जो है ये बांटने वाली है। ओके, तो मेघालय को उसने सबसे ज्यादा बर्फियां दे दिया, ऐसे भर भर के उसने दे दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल का नंबर आया तो थोड़े से कम थे उसके पास में, फिर वो 300 सेंटीमीटर यानी कि थोड़ी सी बर्फियां मिली। फिर उसके बाद बिहार का नंबर आया, आप वो बेचारा और घट गया, 250 हो गया, 200 हो गया, मतलब उसके पास सामान कम होता जा रहा है, बर्फियां कम होती जा रही है। फिर वो यूपी तक बढ़ेगा, फिर 200 पे आ जाएगा, फिर वो दिल्ली तक आएगा, 100 पे आ जाएगा, हरियाणा तक पहुंचते पहुंचते बेचारे के पास 75 या 50% ही बचती है। वो 75 या 50 सेंटीमीटर बारिश वहां पर करेगा, मतलब इतनी बर्फियां बची है, ट्रेड विंड के पास वाटर वेपर इतने ही बचे हैं। और जैसे राजस्थान में पहुंचेगा वहां 20 सेंटीमीटर, जयपुर के आसपास तो 50 सेंटीमीटर होती है जयपुर के आसपास तो, लेकिन जैसे ही वो बीकानेर बाड़मेर बॉर्डर पे जाएगा तो बेचारे के पास 10 सेंटीमीटर यानी कि बहुत ही कम बारिश। पाकिस्तान वाले बेचारे मुंह देखते रह जाते हैं, डोना खाली हो गया भाई ये तो खाली हो गया, अब क्या करें। तो ये जो बांटने की परंपरा है ना, ये बांटने की शुरुआत उधर से करता है, ये बड़ी मुश्किल वाली बात है, ये तो बड़ा अनफेयर वर्क है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बांटने के लिए ये कि है, ये एक और बांटने के लिए लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, बांट रहा है इधर से भी, एक तो उधर से बांट रहा है, एक इधर से बांट रहा है, ये इधर से भी बांट रहा है, ठीक है। अरेबियन सी की जो विंड्स हैं ये भी बांटने का काम कर रही है, लेकिन ये जो बांटने जा रहे हैं तो कोई मांग ही नहीं रहा, कमाल है, कोई मांग ही नहीं रहा। गुजरात जो है वो कुछ नहीं कह रहा कि डाल दो या ना डालो, कुछ नहीं कह रहा गुजरात, वो जाने दे रहा, जाओ भाई जाओ जाओ, एक्चुअली वो रोक ही नहीं रहा है, मतलब कि कोई ऐसा माउंटेन नहीं है गुजरात में जो जाते हुए उन विंड को रोक सके कि भाई हमारे यहां भी थोड़ी बर्फियां डाल के जाओ, वो रोक नहीं पाता। राजस्थान का भी यही हाल है। अच्छा, राजस्थान में थोड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, अरावली हिल्स हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो सामने
हाथ करने की बजाय भी मुझे भी डाल दो, मुझे भी, वो पीछे हाथ कर रहे हैं यार, उल्टी डायरेक्शन में, वो इधर से मांगने की बजाय वो पीछे से मांग रहे हैं ऐसे, ये क्या मतलब हुआ? पीछे से कौन देगा आपको? मतलब कि वो विंड की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन जो है इस तरह की डायरेक्शन है, इस तरह की डायरेक्शन है। ये देखिए अरावली की जो शेप है वो कुछ इस तरह की शेप है। अब ये कि विंड क्या इनके बीचों बीच निकल जाती है, विंड इनके बीचों बीच निकल जाती है, ये अपोजिट साइड में नहीं है, लेकिन हिमालय तो अपोजिट में है, हिमालय तो बिल्कुल अपोजिट में है, हिमालय तो अपोजिट में एक बॉल की तरह खड़ा है। तो ये विंड सीधा हिमालय पे जाके टकराती है, ऐसे टकराती है सीधा हिमालय पे, तो फिर बारिश, फिर यूपी हरियाणा पंजाब इधर उधर खूब हो लेती है, लेकिन जो है इधर राजस्थान फिर सूखा रह जाता है। हमने ये पढ़ा था पहले कि राजस्थान क्यों सूखा रह जाता है, क्योंकि भाई उधर से जो बाढ़ निकल आया उसने भी डिस्क्रिमिनेशन किया, उसने भी भेदभाव किया, और इधर से जो बाढ़ निकल आया वो बेचारा रुका ही नहीं, वो तो रुका ही नहीं कुछ देने के लिए, तो ये बड़ी मुसीबत हुई, गलत हुआ इनके साथ। तो ये बेचारे हमेशा यूं ही देखते रह जाते हैं कि भाई यार हमारे यहाँ भी कुछ आएगा कभी, गुजरात राजस्थान के लोग हालत खराब। तो समझ में ये आया हमें कि जो विंड की डायरेक्शन है उनकी वजह से सारा खेल है ये। इंडिया का मानसून जो है वो विंड की डायरेक्शन का खेल है, इसको हम कहते हैं एडवांस मानसून सीजन। ये सब जो मैंने बताया ये इंडिया में एडवांस मानसून सीजन है, एडवांस मानसून सीजन, इसको एडवांस मानसून सीजन हम कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है मई से और ये रहता है सितंबर अक्टूबर तक ये रहता है। सितंबर अक्टूबर में विंड की डायरेक्शन चेंज होनी शुरू हो जाती है, अक्टूबर में चेंज करना शुरू कर देंगे ये। अभी तो ये इधर से उधर जा रही है, अक्टूबर में ये पलटना शुरू कर देंगी, उधर से इधर आना शुरू कर देंगी। और आपको पता है इधर से कुछ नहीं है, इधर ना तो कोई ओशियन है पाकिस्तान साइड में, ना कोई इधर कोई बे ऑफ बंगाल है, कुछ नहीं है इधर, या तो सूखी मिट्टी है, और सूखी मिट्टी से कभी वाटर वेपर नहीं आते आपको पता है। तो जो वापस लौटती हुई विंड होती है वो कभी बारिश भी नहीं करती आपको पता है भाई, वापस आने वाली विंड कभी बारिश नहीं करेगी। इधर से तो ये लोग भर भर के लेके गए हैं, उधर से क्या भर के लाएंगे मिट्टी थोड़ी भर के लाएंगे, तो उधर से ये खाली लौटती है। तो इसलिए बारिश कभी सितंबर अक्टूबर के बाद परसेंटेज घट जाती है और बारिश आती नहीं। इस तरह जब बारिश वापस नहीं आती, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं उसको, वापस लौटती हुई हवाओं को रिट्रेटिंग मानसून और आगे बढ़ रही हवाओं को एडवांस मानसून कहते हैं, ठीक है। रिट्रेटिंग मानसून महीने दो महीने का होता है। अब पॉइंट ये आ गया कि इंडिया में बारिश की परसेंटेज कहां कहां पर क्या दिखाएं। तो देखिए यहां पर 1000 है, यहां पर 300 होगी, या 200 होगी, या 100 होगी, 75 होगी, 50 होगी, 20 होगी, 10 होगी। इधर देखोगे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ज्यादा से ज्यादा। ओके, यहां पर बीच में देखोगे 100 सेंटीमीटर, यहां पर देखोगे 100 सेंटीमीटर, इधर देखोगे 100 सेंटीमीटर, और नीचे की तरफ जाओगे तो परसेंटेज इधर कोस्टल एरिया पे तो आपको मिलेगी 200-300, इधर 200-200-200 कोस्टल एरिया पे आपको मिल सकती है, यहां पर भी 100। देखोगे इस साइड में परसेंटेज ज्यादा है 200-300-400, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा थी, इधर की हाइट कम है तो परसेंटेज भी कम है, इधर की हाइट कम है तो सेंटीमीटर भी कम है, 100 है, 100 सेंटीमीटर, 100-100-200-200, और बीच वाले एरिया में 100-150 मिलेगी, 100-150 लगभग मिलेगी, 100 मिलेगी, इस तरह से बीच वाले एरिया में कम मिलेगी। उधर सेवन सिस्टर की तरफ 300 मिलेगी, ठीक है, 200 मिलेगी, फिर थोड़ी कम हो जाएगी, 100 मिलेगी, फिर 100 मिलेगी, इस तरह से उनकी परसेंटेज ऐसी है, 300 है, जो नजदीक है वो 300 है। तो इस तरह से पूरे इंडिया भर में है, लेकिन जो हमारे जो हिमालय माउंटेन है यहाँ पर बारिश आने की बजाय स्नोफॉल होता है। क्या होता है यहाँ पर? स्नोफॉल ज्यादा होता है, हाँ बर्फ पड़ती है यहाँ पर, स्नोफॉल ज्यादा होता है। यहाँ पर बारिश की सेंटीमीटर कम है, बहुत ही कम है, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इतनी बारिश होती है। इधर एरिया में स्नोफॉल ज्यादा होता है, और वो स्नोफॉल का रीजन साइबेरिया से आने वाली विंड्स है, रशिया की साइड से, इस साइड से ऊपर की साइड से, इस साइड से रशिया की साइड से आने वाली विंड है साइबेरिया, तो वो उसकी वजह से वहां सर्दियों में खूब बर्फ पड़ती है।
और कुछ वाटर वेपर जो इधर से आते हैं वो भी इधर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। अब समझने की बात ये है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैटेगरी कहां डिसाइड करें। भाई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो 150 सेंटीमीटर से ऊपर ऊपर उगते हैं भाई, ये ध्यान रखें। 150 सेंटीमीटर जहां बारिश होगी इंडिया में, वहां एवरग्रीन आपको जरूर मिल जाएंगे। अब आप डिसाइड करो कि कहां कहां मिलेगा। क्या राजस्थान में आप दिखा सकते हो एवरग्रीन? नो। हरियाणा में दिखा सकते हो? नहीं। दिल्ली में दिखा सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा सकते। यहां पर दिखा सकते हो? यूपी में नहीं। आप जब बिल्कुल कोस्टल एरिया पे जाओगे तब आपको 100, 100, 200, 200, 300 की कैटेगरी मिलेगी। तो इसका मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको इधर इधर मिलेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कोस्टल एरिया पे मिल सकते हैं और कहां मिलेंगे? सेवन सिस्टर एरिया में मिल जाएंगे। सेवन सिस्टर एरिया में 100, 100, 200, 200, 300 का स्केल है, वहां मिल जाएंगे। तो एवरग्रीन सेवन सिस्टर में चले गए। मेघालय तो घर है आपको बताइए बारिश का। मेघालय तो नाम ही ऐसे पड़ा है, मेघालय, मेघों का मंदिर, बादलों का मंदिर, टेम्पल ऑफ क्लाउड्स, मेघालय, ठीक है। तो ये है। उसके बाद में आप देखोगे इधर आओगे तो इधर आपको केरला से शुरू कर दिया 300, 200, 300, 300, 250, 200, ये सब ये यहां पर है पूरा, ओके। और इस एरिया में तो आप दिखा दोगे एवरग्रीन। अब बात आती है डेसिडियस की, लेकिन उसमें भी दो कैटेगरी हमने बताई थी। डेसिडियस की दो कैटेगरी बताई थी, एक तो हमने बताई थी मॉइस्ट डेसिडियस और एक हमने कही थी ड्राई डेसिडियस। तो मॉइस्ट डेसिडियस तो 100 से लेकर 75 तक जहां जाए या 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है वो मॉइस्ट का एरिया है। ये देखिए 100 अंदर की तरफ, ये 100 हो गया, ये 150, ये 100, ये मॉइस्ट के लगभग आ गए। लेकिन इसी एरिया में अगर कहीं पर परसेंटेज घटती है, कहीं पर सेंटीमीटर घटती है, 75 हो जाती है या 50 सेंटीमीटर हो जाती है, तो ड्राई डेसिडियस हो जाएंगे, फिर वहां पर ड्राई हो जाएंगे। जैसे तमिलनाडु का और मध्य प्रदेश का कुछ ऐसा एरिया है, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का कुछ ऐसे एरिया जहां पर रेनफॉल की कंडीशन 100 से डाउन जाती है। 100 से डाउन जाते हैं, सीधी सी बात है, फिर वहां पर आपको ड्राई डेसिडियस मिलेंगे। तो ये दो हो गए ना भाई, एवरग्रीन समझ में आ गए और डेसिडियस समझ में आ गए, पतझड़ी वन समझ में आ गए और एवरग्रीन सदाबहार वन समझ में आ गए। अब बात आती है तीसरी कैटेगरी की, थोर्नी फॉरेस्ट। थोर्नी फॉरेस्ट तो थोर्नी फॉरेस्ट कांटेदार वन जो है वो उस कैटेगरी में मिलेंगे जहां रेनफॉल की कंडीशन 75 डाउन है, 75 डाउन सेंटीमीटर। और आपको बताइए 75 डाउन यहां थे, ये देखिए इस एरिया में गुजरात तक का पूरा एरिया, ये देखो यहां से लेकर एमपी का कुछ पार्ट, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, दुल्ली सब ये लगा लो, ये देखो इस एरिया में, यानी कि इतने इतने एरिया में आप देखोगे, इतने इतने एरिया में आपको, इतने इतने एरिया में एमपी का और यूपी का कुछ पार्ट, ये आपको इतने इतने एरिया में आपको थोर्नी फॉरेस्ट मिल जाएंगे, कांटेदार वन। और कुछ ऐसा एरिया जो कि तमिलनाडु का एरिया है, उस जगह पर भी आपको थोर्नी फॉरेस्ट मिल जाएंगे, कांटेदार वन मिल जाएंगे। जहां पर रेनफॉल की कंडीशन कम मिलेगी, 75 डाउन मिलेगा, वहां पर थोर्नी फॉरेस्ट। कितनी कैटेगरी होगी? एवरग्रीन हो गया, दूसरी कैटेगरी डेसिडियस हो गई, तीसरी कैटेगरी थोर्न फॉरेस्ट हो गई। रेनफॉल ने सब समझा दिया हमें कि कहां पर क्या होगा, रेनफॉल ने समझा दिया। अब फोर्थ कैटेगरी आपकी होती है मैनग्रोव। भाई जहां जहां पर रिवर डेल्टा बनाएगी वहां पर मैनग्रोव मिलेंगे। जैसे कि पहला रिवर डेल्टा गंगा का डेल्टा बनता है, ये रहा यहां पर इस तरह का रिवर डेल्टा, ये देखिए ट्राई एंगल शेप का रिवर डेल्टा, ये देखिए ये रिवर ने डिपोजिट किया, ट्राई एंगल रिवर डेल्टा बन गया, ट्राई एंगल रिवर डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा, इस जगह पर मैनग्रोव आपको मिलेंगे। इसके अलावा यह देखिए ये महानदी का डेल्टा बन गया, यहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा महानदी गोदावरी, ये देखिए गोदावरी एरिया यहां बन गया, तो यहां पर भी आपको डेल्टा मिलेंगे, डेल्टा वन यानी कि मैनग्रोव वन। फिर ये हो गया कावेरी कृष्णा का एरिया, यहां पर भी आपको डेल्टा वन मिल जाएंगे। और ये हो गया इधर वाला एरिया, यहां पर भी डेल्टा मिल जाएंगे। मतलब कि जहां जहां पर रिवर डिपोजिट करती है वहां आपको मैनग्रोव मिल जाएगा। इंडिया का सबसे एवरग्रोव डेल्टा जो है
वो सुंदरबन डेल्टा है जो बढ़ रहा है, और यहाँ पर मैंग्रोव आपको खूब मिल जाएंगे मैंग्रोव, और बढ़िया क्वालिटी के मिलेंगे, 60 मीटर की हाइट में लंबे लंबे ट्रीज मिलेंगे, और इतना गहरा जंगल मिलेगा कि छाया तक भी नहीं आती, ऊपर से सूरज की रोशनी भी नहीं आती, सन रेज नीचे जमीन पे नहीं पड़ती, पूरा काला बिल्कुल ब्लैक एरिया नजर आता है जमीन, इतने गहरे गहरे जंगल झुरमुट आपस में, यूं फंसे हुए जंगल ऊपर से ऐसे फंसे हुए, कोई जगह नहीं, मैनग्रोव्स। अगर आप मैनग्रोव की हाइट देखने लगे 60 मीटर की हाइट, अगर यूं देखने लगे तो पीछे गद्दे पड़ जाओगे, ऐसे 60 मीटर देख भी नहीं पाओगे कितनी ऊंचाई है उसकी, पीछे गिर जाओगे धड़ाम से, इतनी हाइट उनकी मैनग्रोव्स की, गजब की हाइट, और वाइल्ड लाइफ गजब, हर प्रकार के जीव मिलेंगे, सांप बिच्छू छिपकली सब मिल जाएंगे आपको वहां पे, और वो एक सींग वाले गेंडे मिल जाएंगे, वन हॉर्न डायनासोर्स कितने मिल जाएंगे आपको वहां पे, उसको टाइगर मिल जाएंगे आपको वहां पे, जो राइनोज मिल जाएंगे बहुत सारे, बारह सिंगा मिल जाएगा वहां पे, गेंडा मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां हाथी मिल जाएंगे, आप मतलब वहां डिफरेंट टाइप के बर्ड्स मिल जाएंगे, हर वैरायटी प्रकार के कीड़े, अलग अलग वैरायटी के कीड़े लो आप, चाहे आप उनको देखो चाहे खा जाओ, आपकी मर्जी की बात है, खाना चाहे तो खा भी सकते हैं, चाइनीज लोग खाते हैं चाइनीज लोग, तो इतने टाइप की मैंग्रोव टाइप की वैरायटी, ठीक है, तो ये बहुत आसान है समझना, और मैंग्रोव वहीं मिलेंगे जहां रिवर डेल्टा होगा, ये ध्यान रखना, रिवर डेल्टा जहां होगा वहां मैंग्रोव मिलेंगे, रिवर डेल्टा, और रिवर मैंने बताई गंगा ब्रह्मपुत्र हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, इनके रिवर डेल्टा बनते हैं, इधर जाने वाले रिवर डेल्टा नहीं बनाती, जैसे इधर नर्मदा और ताप्ती जाती है इधर साइड में, ये नर्मदा इधर जाती है और ये भी इधर जाती है ताप्ती वगैरह, नर्मदा ताप्ती कभी डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि वो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और इग्नियस रॉक्स वाले एरिया से फ्लो करती हैं, तो सेडिमेंट भी नहीं मिलता उनके अंदर, मतलब मिट्टी वट्टी बहुत कम है, अरे पत्थरों पे से रिवर बह रही तो मिट्टी कहां से मिलेगी बताओ, पत्थरों के ऊपर से रिवर बह रही तो मिट्टी थोड़ी नहीं मिलेगी, साफ पानी मिलेगा, और जिस रिवर के अंदर मिट्टी नहीं है वो डेल्टा कैसे बना सकती है भाई, रिवर तो मिट्टी होगी तभी तो डेल्टा बनाएगी, और इधर की रिवर सारी मिट्टी भर के लाती है, कोई काली मिट्टी ला रहा है, कोई लाल मिट्टी ला रहा है, कोई पीली मिट्टी ला रहा है, कोई भूरी मिट्टी ला रहा है, कोई कैसी मिट्टी ला रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की मिट्टी मिलेंगी, जैसे महानदी उड़ीसा में पीली मिट्टी बिछा देती है, और उसके बाद आप देखो कि इधर ये जो आपका एरिया पड़ता है ये गोदावरी वाला एरिया, गोदावरी जो दक्षिण गंगा कहलाती है साउथ गंगा, वो रेड कलर की मिट्टी बिछा देती है, रेड कलर, अब आप कहोगे रेड कैसे हो गया उसका, एक्चुअल में ये जिस जगह से मिट्टी बहा के लाई है वहां पर आयरन पार्ट्स थे बहुत सारे, उस मिट्टी के अंदर ब्लैक सोयल के अंदर आयरन के पार्ट होते हैं, और आयरन जो होता है पानी के साथ मिक्स होके ऑक्सीडेशन कर लेता है, और जब आयरन मिट्टी के अंदर है तो ऑक्सीडेशन करेगा और रेड कलर ले लेगा, वो रस्टिंग हो जाएगी उसके अंदर, रस्टिंग हो जाएगी, और अगर मिट्टी के अंदर आयरन पार्ट पड़े और रस्टिंग हो गई तो सीधी सी बात है वो रेड कलर की नजर आएगी, रेड येलो इसी वजह से हो जाता है, तो इस तरह से है। अब एक और जो इसमें रह गया माउंटेन फॉरेस्ट, भाई जहां जहां पे माउंटेन का मतलब जिसकी हाइट 4-5 हजार से ज्यादा है, माउंटेन मैं उसको कहता हूं जिसकी हाइट 4-5 हजार मीटर से ज्यादा है, मतलब कि कम से कम 4-5 किलोमीटर का माउंटेन तो हो, माउंटेन तो उसी को कहेंगे, नहीं तो सारी हिल्स है, हिल्स की कैटेगरी बनाई जाती है 1500 मीटर तक, बस 1.5 किलोमीटर तक अगर कोई है तो वो हिल है, और 1.5 किलोमीटर से ज्यादा है तो वो माउंटेन है, सीधी सी बात है, 1500 मीटर तक हिल्स और 1500 से ऊपर आप देखें तो वो माउंटेन है, ठीक है, उसमें मीडियम लेवल माउंटेन भी हो सकता है और हाई लेवल माउंटेन भी हो सकता है, तो जहां पर माउंटेन है वही माउंटेन फॉरेस्ट है, सीधी सी बात है, हाँ यस ओके ठीक है, तो जिसके पास बड़े बड़े माउंटेन है हिमालय तो वहां माउंटेन फॉरेस्ट है, तो हिमालय में आपको माउंटेन फॉरेस्ट नजर आएंगे यहां पर। तो आज हमने 9th की वो कैटेगरी पढ़ ली, क्योंकि मैंने कहा था कि 9th-10th मिक्स होते चलेगा, और मैंने पहले कह दिया था कि मैं मिक्स करके चलूंगा इसको, कॉन्सेप्ट लेवल हाई लेवल पे कंप्लीट करूंगा, मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट क्या है, और मेरे हिसाब से आपको फॉरेस्ट समझ में आ गए होंगे, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए कि इंडिया में फॉरेस्ट कौन कौन से किस किस जगह पर है और उनकी कंडीशन मानसून की वजह से है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे,
अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनकी जो वैरायटी है वो कौन कौन सी है और इसमें किस टाइप के जंगल मिलते हैं, एस्टिमेटेड एरिया अपना कितना है और एस्टिमेटेड एरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉरेस्ट कितने हैं, कितनी कैटेगरी डेंजर में चली गई, कितनी अभी बचे हुए हैं, किस टाइप की है, वो सारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से और कॉन्सेप्ट याद रखना। ओके, बाय।